आकाश मने, हेलो, गुड मॉर्निंग। थोड़ा और वेट कर लेते हैं, लेट अदर्स जॉइन, देन विल स्टार्ट विद द सेशन। ओके, अभिजीत पेड़े, सनत दुतराज, कैलाश हिलवे, सॉरी हिवाले। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो प्लीज लिंक को शेयर कीजिए सो दैट आपके और फ्रेंड्स एंड कलीग्स दे कैन जॉइन एंड टेक द बेनिफिट। विल गिव अनदर 2-3 मिनट्स फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टू जॉइन। अच्छा, तब तक टेल मी, माय ऑडियो ऑडियो एंड वीडियो दे आर क्लियर, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है ऑडियो वीडियो में? यू कैन ऑल हियर मी? एक बार जल्दी से चैट सेक्शन पर बता दीजिए इफ यू कैन हियर मी और नॉट। ओके, थैंक यू आकाश। राइट, ओके। सो थोड़ा सा और वेट करते हैं। थिंक 27 पीपल आर ऑलरेडी देयर। लेट्स वेट फॉर अनदर 1 मिनट, देन विल स्टार्ट विथ अस विद दिस सेशन। वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन एंड वेरी यूजफुल फॉर योर अपकमिंग इंटरव्यूज फॉर सिटी यूनियन बैंक रिलेशनशिप मैनेजर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कीप ऑन शेयरिंग द लिंक, लेट अदर्स ज्वाइन एज वेल। ओके, चलो विल स्टार्ट विद द सेशन। सो दिस इज द स्पेशल गाइडेंस सेशन फॉर द अपकमिंग इंटरव्यूज फॉर सिटी यूनियन बैंक रिलेशनशिप मैनेजर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोज हू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड द रिटन एग्जामिनेशन एंड प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज। And let's start together with this preparation. So I'll be taking the session. My name is Purva Goyal. I'm an ex-SBI officer. Let's see little more details about me so that आपको confidence आ जाए कि आपकी जो preparation है बहुत अच्छे से होने वाली है. Okay? So I was a scale 2 officer, deputy manager, and I was holding the post of branch manager in State Bank of India. And I worked in all the different sectors in the banking industry, be it the personal segment, the SME segment, general banking, agriculture banking, digital banking. So I have a very good exposure in the banking industry as well in the non-banking financial industry as well. That is the worked as a wealth manager in ICICI Securities before that. Now I have done my MBA in finance and marketing from IMI New Delhi. So in my entire career, I have faced almost around 18 to 20 interviews, both for the campus selection and for MBA entrance and for the banking industry also, for the banks also. And out of all those, I have not missed any opportunity and I've cleared all the interviews that I have given. So with this knowledge and experience, I'll help you out with your preparations. So let's start with a motivational quote. It is too easy to give up on the things that are hard to accomplish. Isn't it so true? Whatever we think is difficult or hard, we try to, you know, just give it up because we think we are not getting the results that we want, and we take an easy path. But those who take that easy path, they don't reach their destination. They don't really achieve what they want to achieve. So we have to do this hard work and give all our efforts so we can achieve our targets, we can achieve our goals. And here our goal is to get into the City Union Bank. I hope everybody is comfortable with English. Agar kisi ko koi doubt ho to please
टेल मी आई कैन यू नो स्विच इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. ओके ओके सो समवन इज आस्किंग अबाउट द एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ इंटरव्यू. ओके आई एम आई डोंट हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ द एक्सपेक्टेड डेट्स, बट वाई टू यू नो कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द एक्सपेक्टेड डेट्स. नाउ वी हैव द टाइम टिल अवर डेट्स आर टिल द डेट्स हैव नॉट कम फॉर द इंटरव्यू, सो लेट्स फोकस ऑन अवर प्रिपरेशन. मोर द टाइम वी गेट बेटर विल बी द प्रिपरेशन, राइट? ओके सो आई डू वन थिंग, आई विल कंडक्ट द सेशन बोथ इन हिंदी एंड इन इंग्लिश. इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ. अगर आपको कभी कोई डाउट हो तो प्लीज आप चैट सेक्शन पर बता दीजिएगा एंड आई विल क्लियर दैट. ओके सो लेट्स सी इन ओवरऑल एजेंडा कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ सम इंफॉर्मेशन अबाउट सिटी यूनियन बैंक, बिकॉज आप जब बैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको उसका एक क्लियर आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू कैन रिलेट योर गोल टू ज्वाइन द बैंक विथ द थिंग्स यू हैव इन योर माइंड. लाइक आप बैंक में क्यों आना चाह रहे हो, वाई हैव यू चोजन दिस पर्टिकुलर बैंक. सो यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग. देन आफ्टर दैट वील सी मोर डिटेल्स अबाउट द जॉब प्रोफाइल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट विल फॉलो. सो द प्रोफाइल इज ऑफ अ रिलेशनशिप मैनेजर. सो वॉट डू अंडरस्टैंड बाई रिलेशनशिप मैनेजर, राइट? उसका काम क्या होता है, हमें क्या करना होगा, हमारी क्या स्किल सेट्स होंगी दैट विल हेल्प अस बिकम अ गुड रिलेशनशिप मैनेजर और दैट इज हेल्प अस टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस प्रोफाइल. ओके देन सिंस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस, तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि वॉट दिस प्रोसेस एक्चुअली इज. वाई दिस कंपनी इवन टेक द इंटरव्यूज बिफोर सेलेक्टिंग, वाई डोंट दे सेलेक्ट राइट आफ्टर द रिटन एग्जामिनेशन दैट यू हैव क्लियर्ड. सो वी विल सी एन ओवरव्यू ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस एंड आफ्टर दैट वील मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अवर फॉर लेक्चर टूडे, दैट इज द इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स. How you have to prepare for the questions that might be asked, and how can you prepare yourself so that you can you have a better chance, a better opportunity to get selected. All right, everybody is clear with the agenda. Move on, kare. Okay, so starting with the about the information and history of City Union Bank. सो आप सबने देखा होगा सिटी यूनियन बैंक का जो लोगो है उसमें CUB के नीचे लिखा होता है ट्रस्ट एंड एक्सेलेंस सिंस 1904. ओके सो दिस इज व्हाट सिटी यूनियन बैंक इज प्राउड अबाउट एंड इज ऑल्सो मार्केटिंग देमसेल्व्स एज ट्रस्ट एंड एक्सेलेंस इन 1904. सो द बैंक वॉज फाउंडेड बैक इन 1904 एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स the bank has served with utmost trust and very good services to the customers so as to provide the excellent services and gain the trust of the customers. Okay, so City Union Bank is an Indian private sector bank and the headquarters of the bank is in Kumbakonam in Tamil Nadu. So it was primarily more focused in the southern states of India where it started its business from, and slowly and gradually it moved towards the different parts in the country. Okay, so as and when it expanded, so it has moved to different parts. So it was founded by Mr. R. Santanam Iyer, Mr. R. S. Krishna Iyer, and Mr. V. Krishna Swami Iyengar. So there were three founders that started up this bank. Initially, when the bank got started, it was not known as the City Union Bank. The original name of this bank was Kumbakonam Bank Limited. Kumbakonam mein shuru hua tha, to iska naam bhi Kumbakonam Bank Limited tha, because initially it was more of a regional bank. Okay, apna Thanjavur district of Tamil Nadu mein, it was more preferred as a regional bank of that area. And later on, as it got included in the second schedule of RBI and became a scheduled bank in 1985 it was included in the schedule,
एंड आफ्टर दैट इन 1987, वे बैक इन 1987, द नेम वॉज चेंज टू सिटी यूनियन बैंक. सो एज टू गिव इट अ मोर यू नो मोर बेटर विजिबिलिटी इन द कंट्री इंस्टेड ऑफ यू नो टू कम आउट फ्रॉम देयर इमेज ऑफ द रीजनल बैंक दे गिव इट अ नेम एज द सिटी यूनियन बैंक. नाउ द करेंट चेयरमैन ऑफ सिटी यूनियन बैंक इज श्री एम नारायणन. ही इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड अ चेयरमैन. टेम्पररी पोस्ट इज हैंडलिंग. ऑल्दो यू डोंट नीड टू मेंशन दैट बट यू शुड नो दैट ही इज हैंडलिंग दिस पोस्ट एज अ टेम्पररी चेयरमैन एज ऑफ द सिटी यूनियन बैंक. एंड ही इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑल्सो. सो ही इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ सिटी यूनियन बैंक मिस्टर श्री एम नारायणन. And the current MD and CEO of the bank is Dr. N. Kamakodi. So these are the basic information that you should know about the bank before you have preparing to join the bank. Now let us see some latest figures and also what is the comparative advantage of the bank. So according to the annual report of the bank, the position of bank on 31st of March 2022, the amount of deposits in the bank was 47,690 crore rupees, which is a very good amount as you know as per a growing bank. And if you see the value of the net NPA, NPA is a very big issue in the banking industry these days, but the net NPA of City Union Bank is quite low, that is of only of 2.95%. So it gives a very good advantage to the bank, so it can stand out in the banking industry. We can see the other details also, other figures that are what were the advances, what was the net interest margin, how many branches of state City Union Bank are there in the country, 727 branches, more than 5,360 employees are there in the bank. So all these things you can you should know about. Then, what are the competitive advantages of the City Union Bank? So, it is divided into six different things, six different categories basically. What is the network of the bank? So, first of all, the bank has a pan-India presence. Earlier, it was a regional bank, in the initial ages. But now, it has become, it is present in all across the country with 727 branches. And since it has started in the southern states only, so the strong presence is in southern India. Then we see what is the adequately capitalized. See, the bank is very quite adequately capitalized. If you see, the capital adequacy ratio is of 20.85%, and out of that, Tier 1 constitutes of 19.78%, which gives us a very strong, adequacy in this region. So this also becomes a very good competitive advantage as compared to other banks. Then the MSME trading portfolio is also about 51% of the total advances. So that gives another advantage. Then very important part is the strong track record. See, if the bank has a very good track record, it will have a better trust with the customers. हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो track record है, the dividend payout in the more than 116 years of operation, continuously profit में रहा है and dividend भी देता रहा है bank. So if the bank is performing better and better every day, so the customers, they build up a trust, right? कि हाँ भाई, माई बैंक इज ग्रोइंग एंड आई विल ग्रो विद द बैंक. देन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस आर ऑल्सो वेरी रॉबस्ट एंड दे हैव अ वेरी डाइवर्सिफाइड एसेट प्रॉफिट एसेट पोर्टफोलियो प्रोफाइल. सो दीज आर सम ऑफ द वेरी अट्रैक्टिव फीचर्स दैट यू कैन यू शुड नो अबाउट सिटी यूनियन बैंक एंड हाउ इट गिव्स एन एडवांटेज इन द बैंकिंग इंडस्ट्री. And it is much better than many other banks in the nation.
So these are some figures. Okay, Adarsh, you're asking if is English proficiency necessary? No, Adarsh, it is not necessary that your English should be very, very fluent or should be, very proficient in the language. ऐसा जरूरी नहीं है. आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, बी इट इन इंग्लिश और इन हिंदी. बट सिंस द बैंक हैज मोस्ट ऑफ द प्रेजेंस इन सदर्न स्टेट्स, सो देयर लोकल लैंग्वेज इज नॉट हिंदी. सो द कॉमन लैंग्वेज देयर विल बी इंग्लिश. सो इट इज बेटर अगर आपकी इंग्लिश अच्छी रहती है तो. बट देर इज नो सच क्राइटीरिया कि आपका इंग्लिश एकदम टॉप क्लास होना जरूरी है और एल्स यू विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई. विल डू वन थिंग, आपको जो डाउट्स अभी आ रहे हैं, विल टेक ऑल द डाउट्स टूगेदर एट द एंड ऑफ द स्लाइड, एट द एंड ऑफ द सेशन, सो दैट द फ्लो डज नॉट ब्रेक, राइट? इज दैट ओके? आप लोग अपने क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए एंड लेट्स डिस्कस देम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन. इज दैट ओके? Now let us see what is the job profile and responsibilities. So all of you know that you are applying for the post of a relationship manager. अब relationship manager क्या होता है, उसका क्या काम करना होता है? So आपको नाम से clear होगा, there are two words in the profile, relationship and manager, right? तो relationship is someone who builds a good relationship with the customers, with the stakeholders. And a manager itself is a gives a managerial role, जो चीजों को manage कर रहा है, जो काम को manage करता है. तो दोनों का amalgamation होगा, that is relationship manager. और समझते हैं, the role of a relationship manager is to understand the client requirement, ensure superior service, and provide regular updates to the client on financial market developments. So basically, आपका जो क्लाइंट होगा, आपके जो कस्टमर्स होंगे, यू आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर दैट कस्टमर एज अ एज अ फ्रंट फेस ऑफ द बैंक. तो कस्टमर जो है वो बैंक को आपके थ्रू जानेगा. तो इट कम्स ऑन टू यू, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, उनको आप कैसे फुलफिल कर सकते हैं. एंड मोर ओवर, आपको उनको जो सर्विसेज देनी है, इट शुड बी ऑफ द टॉप मोस्ट क्लास. लाइक it should be very timely, convenient, the customer should not face problems, and in case they have any issues or grievances, you should be able to resolve those issues. Okay, so that comes, your relationship with the customer should be good, and also your capability to manage things. Then it is your responsibility to give the regular updates. Okay, the client has come to the bank, or maybe you have contacted the client, and what are the different products or services that are available will be good or beneficial for the customer. The customer might not know. Suppose there is a new credit card that has come into the market, and it is has very good features and benefits. So then you have to tell about that to the customer. Then apart from that, the scope of work also includes assisting the clients with their account details and to advise on financial investments. The customer might have many requirements, right? Unke account ke unko statement chahiye, details chahiye, if they want to understand ki unko kuch financial investments karna hai, to you can suggest them according to their needs and requirements ki what will be a good investment opportunity for them. Being a manager, being in the financial industry, you will have a better understanding than the customers. So the customers will rely on to you to provide them with the best advice. And along with that, along with catering to their needs, you also have to generate the new businesses and bring in more clients for the bank. Okay. किसी को job profile में कोई doubt है क्या? Job profile and responsibilities में कोई doubt है किसी को? नहीं है? ओके, चलो लेट्स सी कि, अच्छा ये तो है कि एक रिलेशनशिप मैनेजर का काम क्या होता है एंड उनको
क्या क्या चीजें एक इसमें बैंक में एज ए रिलेशनशिप मैनेजर दे हैव टू ओके. सनत धुतराज इज आस्किंग इज इट अ फील्ड वर्क. नो नो नॉट नेसेसरीली इट इज अ कंप्लीटली फील्ड वर्क सिंस यू आर द फेस ऑफ द बैंक फॉर दैट कस्टमर. यू हैव टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग फॉर द कस्टमर. सो योर मोस्ट ऑफ द टाइम विल बी स्पेंट इन द बैंक इटसेल्फ. यू कैन नॉट चेक द अकाउंट डिटेल्स ऑफ अ कस्टमर इफ यू आर आउट इन द फील्ड. दैट यू कैन डू ओनली फ्रॉम द ब्रांच प्रमाइसिस. ओके, बींग अ फाइनेंशियल इंडस्ट्री यू कैन नॉट एक्सेस द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, द यू नो क्रूशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कस्टमर्स फ्रॉम आउटसाइड द प्रमाइसिस. सो थोड़ा बहुत होता है कि आपको कभी जाना पड़ता है बाहर, बट दैट इज देयर इन ईच एंड एवरी बैंकिंग प्रोफाइल. ओके, ओके, प्लीज रिस्ट्रेन फ्रॉम पुटिंग एनी यू नो कंट्रोवर्शियल कमेंट्स. ओके, ऑल राइट. सो इट इज सी द प्रोफाइल ऑफ अ रिलेशनशिप मैनेजर इज नॉट ऑफ सेलिंग. यू आर नॉट अ सेल्स पर्सन. If the bank would have to hire a salesperson, they will not ask for, you know, that it should be a graduate or should have 60% marks in graduation, or they should go with such an extensive program of, you know, having a written examination for the students, then going for interviews, checking the skills. So you have to market the products and give the services of the bank to the customers. So bank is not just a point of sale. Banking is more than that. You need to have a better understanding of what a banking system is. Okay? Okay, now we'll move to the next part. What is the interview process all about? Okay. So interviews, basically organizations kyon conduct karte hain? बैंकिंग में इंटरव्यू किस तरह के होते हैं मोस्टली, एंड इंटरव्यू को हमने किससे कैसे हम उसको ब्रेक डाउन करके उसके लिए हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. सो लार्जली देखा जाए तो बैंक इंटरव्यूज जो होते हैं तीन पार्ट्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज द एचआर पार्ट, जिसमें कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है अबाउट योर इंट्रोडक्शन एंड ऑल दैट, वो सब चीज़ें कवर होती हैं. Your skills, strengths, weaknesses, your short-term goals, that kind of things are covered in the HR part. Your academics will come in that. Then, since you're aspiring to join the banking industry, the banking industry, banking ka awareness hona is very important. Aapke basic understanding honi chahiye ki banking mein hota kya hai. And jaise aap logon ko kabhi doubt ho raha tha ki is this is banking, is RM, you know, sales profile. So you need to understand ki banking mein kya kya apne products and services hote hain, and get a better understanding of that so that aap khud ko align kar sake with the banking industry and general awareness. So basically aapko ek, you know, to become a more जितना आप जनरली अवेयर रहते हैं कि आपके आसपास में सराउंडिंग में क्या हो रहा है, आपकी कंट्री में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, व्हाट आर द बिग न्यूज कमिंग आउट, उतना आप अपडेटेड रहते हैं. जितना आपका अपडेटेड रहने की हैबिट होती है उतना बेटर परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, सो इफ यू कैन सी दैट बैंकिंग इज अ सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन. ऑब्वियसली अब आप बैंक में मोस्टली आपका काम क्या होता है, आप सर्विसेज देते हैं, राइट? इफ समवन वांट्स टू ओपन एन अकाउंट, if someone wants to avail a loan, so what are you giving to them? The services. आप उनको अकाउंट ओपन करके दे रहे हैं, आप उनको कोई ऐसे टेंजिबल तो नहीं है ना कि आप एक बॉक्स में उनको उनका अकाउंट आप डाल के दे रहे हैं. सो इट इज मोस्टली सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड सिंस सर्विस ओरिएंटेड है तो आपको अपनी जो अपना जो आपका काम होता है उसको प्रोफेशनल रख के बेस्ट एफर्ट्स देकर अगर आप कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं सो दैट विल बी रिमेंबर्ड. इट इज नॉट लाइक आपने कोई प्रोडक्ट दिया है एंड इफ दैट विल वर्क और नॉट, इट इज मोर अबाउट द सर्विसेज. देन
जितना आप अच्छे से कस्टमर से एक अच्छा रिलेशन बना सकते हैं, जितना उनसे फ्रीली फ्रेंडली बात कर सकते हैं, एंड उतना ही ज़्यादा आपका कस्टमर आप पर भरोसा करेगा और आपके साथ कंफर्टेबल रहेगा. इफ़ यू आर नॉट एबल टू गिव देम अगर वो ट्रस्ट बिल्डअप नहीं कर सकते आपके साथ बात करके कि अच्छा हाँ आई हैव कम टू द राइट प्लेस और नॉट, तो वो तब तक आपकी बैंक की सर्विसेज अवेल करने में थोड़ा दे विल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल, वो हिचकिचाएंगे. सो इफ यू गिव देम अ वेरी गुड एनवायरमेंट, अ गुड रिलेशन, एंड इफ यू गिविंग दिस गुड एडवाइजेस, ओवरऑल अगर आप उनको सर्विस अच्छी दे रहे हैं तो आपका उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बनेगा. नाउ इफ यू सी दैट देयर इज ऑल्सो मेंशन कि यू शुड हैव अ सोशल एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद योर पीयर्स एंड सुपीरियर्स. अच्छा आपका तो सर्विस इंडस्ट्री, आपका तो कस्टमर से काम है, सो व्हाई डू यू नीड टू हैव दिस गुड रिलेशनशिप विद योर पीयर्स एंड सुपीरियर्स? कैन एनीबडी टेल मी दैट व्हाई इज इट मेंशन दैट यू शुड हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योर पीयर्स एंड सुपीरियर्स? ओके चलो लेट मी क्लैरिफाई दिस फॉर यू. सी आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में जब काम करना होता है तो यू हैव टू वर्क एज अ टीम. आपने कभी भी किसी बैंक में अगर अपना कोई काम के लिए गए होंगे, मैट हैव गॉन टू गेट डीडी मेड और टू ओपन योर अकाउंट, सो आपका किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय से ही बस काम नहीं होता है, इट इन्वॉल्व्स मोर देन वन पर्सन. तो आपका एज एन एम्प्लॉय अगर हम देखते हैं उसी चीज़ को, तो आपके जो भी काम होते हैं आपको एज अ टीम करना होता है. सो द ऑल द ऑफिसर्स फॉर इंटरनल कंट्रोल. ओके आकाश और सेइंग कि इंटरनल कंट्रोल के लिए हमें रिलेशनशिप विद पीयर्स एंड सुपीरियर्स रखना चाहिए. सो मोर देन कंट्रोल इट इज अबाउट द स्मूथ रनिंग ऑफ द ब्रांच. सपोज आई एम द ब्रांच मैनेजर एंड माई सर्विस मैनेजर एंड माई कैशियर, दे आर वेरी गुड एम्प्लॉयज, दे आर वर्किंग वेरी एफिशियंटली, बट दे के नॉट वर्क टूगेदर, उनका आपस में रिलेशन अच्छा नहीं है, तो जो आधे काम होंगे दैट विल गेट स्टक, राइट? बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर टू कंप्लीट देयर प्रोफाइल, कंप्लीट देयर वर्क. इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको एक बार बैंक ज्वाइन करने के बाद आएगी, बट आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि आपको साथ में मिलके काम करना जरूरी है. जैसे आप कोई छोटा सा प्रोजेक्ट वर्क भी करते हैं, अगर प्रोजेक्ट में आपकी टीम में 5 लोग हैं, 4 लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा है किसी के भी साथ मिलके काम, तो आपका पूरा काम जो है वो बिगड़ जाता है, बिकॉज द वर्क इज डिवाइडेड इंटू द 5 पीपल. एक ने अगर नहीं किया तो 4 ने कितना भी एफर्ट्स डाल लिया हो, द एंटायर प्रोजेक्ट विल नॉट कम आउट एज द बेस्ट वन. यस यस यू आर राइट टू वर्क इन रिलेशन एंड टू गेट हैंड इन हैंड एंड कंप्लीट द प्रोसीजर. तो आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है टू मेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ बैंक एम्प्लॉयज एंड कस्टमर, राइट? चलिए आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज वेरी गुड. अब ये सब चीजें वो कैसे चेक करते हैं आपके इंटरव्यू से? देर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन गिव एन हिंट कि आपका रिलेशनशिप आप कैसा मेंटेन कर सकते हैं, राइट? आप प्रोफेशनल है कि नहीं है, आप एक इंटेंस एनवायरनमेंट में आप काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. सो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. अब जो बैंकिंग के जो इंटरव्यूज होते हैं उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि कैंडिडेट्स का जो पोटेंशियल है, सी दैट वॉज द एचआर पार्ट दैट वी सॉ अर्लियर. अब दैट इज नॉट ओनली थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? आपको टेक्निकल नॉलेज, आपको अंडरस्टैंडिंग एंड पोटेंशियल भी जानना होता है. सो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टू सी कि आपके स्किल सेट सुटेबल है कि नहीं है, और स्किल सेट सुटेबल, अगर स्किल सेट आपका स्ट्रांग नहीं भी है तो क्या हम उसको अपने एंड पर विद अ बिट ऑफ अ ट्रेनिंग, क्या हम उनको आपकी स्किल्स को और अच्छा बना सकते हैं कि नहीं? इफ यू हैव दैट पोटेंशियल देन यू विल बी द राइट चॉइस फॉर द कैंडिडेट, फॉर द प्रोफाइल. सो लेट्स नाउ गो इन द ब्रीफ, सॉरी इन द डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ हाउ दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी चेक्ड. तो हम थोड़े से कुछ सैम्पल क्वेश्चंस देख लेते हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस माइट बी आस्क्ड और उनसे कैसे असेस किया जाता है. तो उसको बेसिकली आपको खुद को प्रिपेयर कैसे करना है, आपको ये सब चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी,
तो ही आप उस चीज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट? ओके, सो वी आर मूविंग टू द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि आपको जो कुछ टिप्स एंड यू नो अपने इंटरव्यू को एस करने के लिए, क्रैक करने के लिए, आपको कैसे खुद को प्रिपेयर करना है और कैसे आपको कंडक्ट करना है. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यू नीड टू बी प्रॉपरली ड्रेस्ड फॉर द इंटरव्यू, राइट? आपका जो फर्स्ट अपीयरेंस होता है, इट्स द लास्टिंग यू नो अपीयरेंस. फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्टिंग इंप्रेशन. मतलब सपोज इफ यू आर कमिंग फॉर एन इंटरव्यू एंड यू आर नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड, तो इट गिव्स यू नो एक ऐसा इंप्रेशन बनता है कि दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट इज नॉट वेरी प्रोफेशनल. ओके, उनकी सिंसैरिटी का भी थोड़ा यू नो डाउटफुल हो जाता है. और यू नो समवन इफ यू आर प्रॉपरली ड्रेस, तो कस्टमर अगर किसी एम्प्लॉय से ऐसे मिलेगा तो उनका जो है एक वो जो उनका एक माइंडसेट होता है ऑफ अ मैनेजर, ऑफ एन ऑफिसर, वो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, दैट इज शैटर्ड, कि यार ये बंदा, ये तो मुझे लग नहीं रहा कि ये मेरा काम अच्छे से कर भी पाएगा, ये समझ भी पाएगा, लेट मी गो टू समवन एल्स. सो अगर आप प्रॉपरली ड्रेस्ड हैं, प्रॉपरली ड्रेस्ड का मतलब ये है कि यू शुड बी इन द फॉर्मल्स. आप ऐसा नहीं कि आप कोई कैजुअल शर्ट पहन के चले गए, यू आर वेयरिंग अ शर्ट दैट इज वेरी ब्राइट इन कलर, और मे बी यू आर वेयरिंग अ से फॉर गर्ल्स मे बी यू आर वेयरिंग वेरी यू नो थोड़ा ज़्यादा वर्क वाले आप कपड़े पहन के चले गए हैं. सो दैट डज नॉट गिव अ प्रोफेशनल लुक. लगना चाहिए कि हाँ, दिस इज द पर्सन हु कैन प्रोफेशनली हैंडल माई रिक्वेस्ट एंड माई ग्रीवेंसेस. ओके, देन प्रॉपरली ड्रेस्ड के साथ साथ आपको प्रॉपर ग्रूमिंग भी होना चाहिए. सपोज आपने कपड़े तो फॉर्मल्स पहन लिए हैं, लेकिन आपके बाल ऐसे बिखरे हुए हैं, आपके जो नेल्स हैं वो बहुत बड़े हैं और गंदे गंदे नेल्स हैं. सो जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठते हैं, दे कैन सी कि आप खुद को कैसे रखते हैं. अगर आप खुद पर ध्यान नहीं देते हैं, आप खुद को अच्छे से नहीं रख सकते हैं, तो आप बैंक को या फिर बैंक के कस्टमर्स को आप कैसे अच्छे से रखेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आप एक राइट चॉइस है कि नहीं है. ओके, देन उसके बाद विल स्टार्ट विद द अच्छा अलोंग विद दैट आपके जो बैठने का तरीका होता है, ठीक है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, क्या आप बहुत ज्यादा नर्वस हैं, क्या आप अच्छे से मेरे ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे आकर के आराम से ऐसे स्लाउच करके बैठे हैं, या फिर यू आर सिटिंग एट द एज ऑफ द चेयर. सो दैट ऑल शोज कि आप सिंसियर नहीं हैं और आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, राइट? अगर आप ऐसे आराम से स्लाउच करके बैठे हैं, सो दैट मीन्स यू आर नॉट गिविंग द इम्पोर्टेंस एंड द रिस्पेक्ट टू दैट प्रोफाइल, टू दैट पर्टिकुलर पोजिशन दैट यू आर अप्लाइंग फॉर. और अब वैसे ही हमेशा कस्टमर से भी मिलेंगे, तो उसमें पूरी आपकी और आपके साथ साथ बैंक की भी इमेज जो है वो खराब होती है. एंड अब सपोज अगर आप इंटरव्यू के लिए गए हैं एंड यू कीप ऑन फिजिटिंग विथ यू नो मे बी विथ योर हैंड्स और समथिंग, इफ यू हैव अ पेन इन योर हैंड, यू फिजिटिंग विद अ पेन, सो दैट शोज दैट यू आर वेरी नर्वस. तो अगर आप, व्हाट इज एन इंटरव्यू? इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द पोटेंशियल कैंडिडेट, पोटेंशियल एम्प्लॉय विद द एम्प्लॉयर. अगर आप एम्प्लॉयर के साथ भी फिजिट कर रहे हैं, नर्वस हैं, तो आप किसी कस्टमर के साथ जो कि जिसकी शायद हो सकता है कोई कंप्लेंट हो, कोई रिक्वेस्ट हो, कोई इंक्वायरी हो, हाउ विल यू बिहेव और एक्ट इन दैट सिनारियो, राइट? तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, दैट शुड बी यू नो दैट शुड बी अप्रोप्रिएट सो एज टू गेट अ बेटर चांसेस. मोर ओवर, इफ यू हैव अ यू नो स्माइलिंग एंड फ्रेंडली नेचर, यू नो स्माइलिंग फेस है आपका, एंड इफ द कस्टमर वॉक्स इन, आपको देख कर ही उनको लगता है कि हाँ माई वर्क विल बी डन हियर स्मूथली. ऐसा नहीं कि अरे यार अब तो मुझे यहाँ पर 2 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा, मेरा तो यहाँ पर काम होगा नहीं, ये तो अपना काम तो कर नहीं रहे हैं, दे आर यू नो बिजी इन चैटिंग एंड यू नो गॉसिपिंग विथ ईच अदर. सो ये सब जो आपकी प्रोफेशनलिज्म होती है, उसका बहुत सारा आइडिया आपके नॉन वर्बल एक्शन से ही पता चल जाता है.
Now, the one of the most commonly asked questions and the most crucial part of the interview is your introduction. ठीक है? अच्छा, अब क्या होता है कि इंटरव्यूज में जनरली देखा गया है कि द इंटरव्यूअर्स आस्क द कैंडिडेट कि आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए या फिर मुझे अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. ठीक है? यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यू हैव टू गिव देम अ ब्रीफ. सो बेसिकली दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप अपने बारे में उनको मार्केट कर सकते हैं, लाइक यू कैन मार्केट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द एम्प्लॉयर्स, लाइक वाई शुड दे हायर यू, वॉट आर योर क्वालिटीज एंड स्किल्स. सो यू स्टार्ट विथ योर नेम, योर एजुकेशन बैकग्राउंड, योर अकेडमिक्स, कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, किस फील्ड में किया है, इफ यू हैव डन अ पोस्ट ग्रेजुएशन आप उसको भी स्पेसिफाई कीजिए, आपने किस फील्ड में किया है या कहाँ से किया है. देन यू शुड टेल अबाउट योर द सिटी दैट यू आर कमिंग फ्रॉम. ओके, देन यू कैन गिव अ ब्रीफ अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, लाइक माई पेरेंट्स आर इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, और माई फादर इज अ मैनेजर इन दिस कंपनी एंड माई मदर इज एन एंटरप्रेन्योर और शी हैज़ अ बिजनेस, वॉट एवर. गिव देम अ बेसिक ब्रीफ आइडिया. देन अपार्ट फ्रॉम दैट, मूविंग ऑन, यू शुड टेल अबाउट योर सेल्फ, आपकी क्या स्किल सेट है. मे बी यू हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, और मे बी यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ. इस तरह का आप थोड़ा अपना एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं. ओके, देन आपका जैसे बैंकिंग, इट इज वेरी फॉर अ मैनेजर प्रोफाइल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लीडरशिप क्वालिटी और अ टीम स्पिरिट, टीम वर्क. तो आप उसके बारे में बता सकते हैं. मे बी इफ यू हैव एन पास्ट एक्सपीरियंस, जैसे आपने मान लो प्रोजेक्ट में कोई, आपने कोई ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट किया है, या फिर ऐसे कोई आपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए हैं जहाँ पर आपने टीम को लीड किया है, आपने किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम निकाला है, तो यू कैन मेंशन अ बिट अबाउट दैट. बट डोंट गिव द इंट्रोडक्शन टू लॉन्ग. उसको आप ब्रीफ रखिए, 30-35 सेकेंड्स का आप रखिए. सो गिव एन ओवरव्यू पिक्चर. बेसिकली द इंट्रोडक्शन इज अ ट्रेलर ऑफ योर लाइफ. ओके, सो आपकी क्या स्किल्स हैं, आपका क्या बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो आप बताएंगे. एंड एकेडमिक, ओके, देर इज वन क्वेश्चन, लेट्स गेट इट टू दैट फर्स्ट. इफ समवन इज अ फ्रेशर एंड ही और शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द बैंक एग्जाम्स फॉर लास्ट 5-6 मंथ्स, देन वॉट काइंड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस विल ही और शी एक्सप्रेस, एंड इफ दे आस्क वॉट यू आर करेंटली अप टू. ओके, सो अभिषेक, इट इज क्लियर ना, इफ यू हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर बैंक जॉब्स राइट आफ्टर योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, देन ऑब्वियसली यू वॉन्ट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस. तो वर्क एक्सपीरियंस उनके लिए जरूरी हो जाता है जो ऑलरेडी किसी कंपनी में पहले काम कर रहे हैं या कर चुके हैं. अदरवाइज योर एकेडमिक बैकग्राउंड एंड नॉलेज दैट विल गिव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर पोटेंशियल. ओके, सो देर इज वन अनदर क्वेश्चन ऑफ वैभव पाटिल. मैम, लोकेशन के आंसर, ओके वैभव, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव आस्क्ड. इफ यू कैन प्लीज रीटाइप दैट मैसेज आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश. ओके, और मे बी विल कीप इट फॉर द एंड ऑफ द सेशन. ओके, चलो. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, हम बात कर रहे थे कि एकेडमिक बैकग्राउंड एंड नॉलेज. ठीक है, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था अभिषेक ने अभी, कि अगर कोई फ्रेशर है जिसने बैंकिंग का प्रिपरेशन करना शुरू किया है, तो वहाँ पर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड और नॉलेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, बिकॉज आपका वर्क एक्सपीरियंस तो है नहीं. सो सपोज मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जैसे फाइनेंस में, ठीक है, इफ़ आई टेक माई एग्जाम्पल, तो मुझसे क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम दैट फील्ड, कि आपने फाइनेंस में जो चीज़ें पढ़ी हैं आपको उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है, आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं आपने उसको समझ के क्लियर किया है एग्जाम, या बस ऐसे ही किया है. अगर आपने समझ के किया है तो आपका नॉलेज ग्रास्प करने का क्या पावर है वो समझ में आता है उन्हें, दे कैन चेक इट फ्रॉम देयर. फिर आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं आपका रिटेंशन कितना अच्छा है, बिकॉज बैंकिंग में भी इफ यू एंटर, अगर आप कोई नई चीज सीख रहे हैं
ठीक है, अभी आप एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब यू आर ए न्यूबी इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, आपको आइडिया नहीं है. सपोज मुझे कस्टमर का अकाउंट ओपन करना है, सो आई हैव टू लर्न इट फ्रॉम समवन एल्स इन द बिगिनिंग, राइट? कि क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं. सो वंस और ट्वाइस आई हैव आस्क्ड समवन, आई हैव लर्न इट एंड आई हैव ओपन द अकाउंट. बट क्या उसके बाद थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, 10th टाइम, तब भी हम खुद से वो आप कस्टमर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर यू स्टिल हैव अ डाउट इन यू कीप ऑन आस्किंग समवन एल्स फॉर दैट जॉब? अगर आप किसी और से पूछते रहेंगे तो फिर आपको हायर करने का क्या फायदा है? सो बेसिकली आपका जो आप पढ़ाई जो करते हैं या फिर जो भी आपने काम किया है, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज कितनी अच्छी है, आप उसको ग्रास्प कितनी इजीली कर सकते हैं, वो चीज चेक किया जाता है. दैट इज वन ऑफ अनदर स्किल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके ओके, देर इज अनदर क्वेश्चन, देर इज अनदर डाउट, लेट्स गेट इट दैट फर्स्ट. मैम जॉब के बारे में बताओ ना, लोन करना पड़ता है क्या और परमानेंट जॉब होता है क्या? ओके, सो देखो देर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट? पहला तो है लोन करना पड़ता है क्या. बैंकिंग का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, इफ यू कैन टेल मी वेंकई, राइट? वॉट डू अंडरस्टैंड बाई अ बैंक? बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? बैंक का प्राइमरी फंक्शन होता है कि वो कस्टमर से डिपॉजिट ले इन द फॉर्म ऑफ देयर सेविंग्स, एंड उन डिपॉजिट्स को फर्दर वो लेंड आउट करते हैं, लोन्स देते हैं, सो टू अर्न देयर इनकम. उस लोन अमाउंट पर उनको इंटरेस्ट इनकम मिलती है बैंक को. तो यस यस अभिषेक, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड लोन्स, तो लोन्स तो देना है ना, एंड इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड जॉब, गुड यू नो गुड पार्ट ऑफ द बैंकिंग. बिकॉज आपको लोन देने के लिए आपको असेस करना है कि इस कस्टमर को हम ये लोन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, इसको हम कितना लोन दे सकते हैं. सो इट इज वन ऑफ द वेरी यू नो प्राइम फाइनेंशियल एक्टिविटी दैट यू विल बी कैरिंग आउट. एंड इफ आई गिव यू माई पर्सनल एग्जाम्पल, तो मैंने जब जब भी किसी का एजुकेशन लोन है, किसी का होम लोन है, किसी का कार लोन है, जब जब भी मैंने उसको प्रोसेस किया है, जब जब भी मैंने किसी कस्टमर को लोन दिया है, एंड द ग्रेटफुलनेस दैट दैट कस्टमर हैज शोन टू मी, दैट यूज टू मेक मी सो हैप्पी एंड सो प्राउड कि यस आई हेल्प दिस पर्सन, आई हेल्प दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट टू परस्यू देयर एजुकेशन, आई हैव हेल्प दिस फैमिली टू बिल्ड अ होम फॉर देमसेल्फ. सो दैट काइंड ऑफ फीलिंग इफ यू कैन गेट इन वर्क, दैट टू अलॉन्ग विथ योर जॉब वाइल वर्किंग, इफ यू गेट दैट फीलिंग, इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स. सो दैट इज दैट शुड बी वन ऑफ द वेरी अट्रैक्टिव फीचर्स वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन द बैंक. ओके, राइट. सो अब आगे मूव करते हैं, वर्क एक्सपीरियंस एंड हाइएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन. सो देखिए, आपके जो एच आर पार्ट का, आपका जो इंटरव्यू का होता है, वो मोस्टली आपका फोकस रहता है कि आपका, जैसे मैंने कहा कि क्या स्किल्स और आपके क्या पोटेंशियल है. तो यदि आपका वर्क एक्सपीरियंस है, यदि आपने इसके पहले कहीं और काम किया है, तो आप उस काम को कितना अच्छे से समझते थे, आपने अपने प्रोफाइल को समझा है क्या, फिर आप वहां से यहाँ मूव क्यों कर रहे हैं, तो उन पर काफी क्वेश्चंस आते हैं. अगर आपने काम को अच्छे से समझ करके उसको अच्छे से डिलीवर किया है, तो आप में वो पोटेंशियल, वो स्किल है, वो आप वो चीज़ यहाँ भी कर सकते हैं. और यदि आप फ्रेशर हैं, अपने वर्क एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो आपका जो लास्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन था, जो हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन था, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन आपके फोकस रहते हैं, आपने उसको कितना अच्छे से समझा है और कितना अच्छे से आपने रिटेन किया है. देन क्वेश्चन लाइक वाई शुड वी हायर यू और वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क एट सिटी यूनियन बैंक. सो बेसिकली इन क्वेश्चंस में ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई आप में क्या स्किल्स एंड क्वालिटीज हैं, आप में ऐसा क्या है, आपके क्या पोटेंशियल है कि आप दूसरे कैंडिडेट से बेटर हैं, हम आपको क्यों चूज करें. सो यू हैव टू टेल अबाउट योर क्वालिटीज, योर स्ट्रेंथ्स, योर हाउ विल यू बी द राइट यू नो राइट कैंडिडेट फॉर दिस प्रोफाइल. आपकी क्या स्किल सेट्स हैं, जैसे कि
इट इज अ मैनेजरियल प्रोफाइल, रिलेशनशिप मैनेजर. अगर आप किसी से अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इफ यू हैव अ वेरी फ्रेंडली नेचर, इफ यू कैन अंडरस्टैंड समवंस रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स, उनके क्या इश्यूज हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, बिकॉज द कस्टमर्स माइट विल कम टू यू विथ अ रिक्वेस्ट, विथ अ क्वेरी, और विथ एन विथ अ प्रॉब्लम, तो आप उनको सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? एनालिटिकल स्किल्स हैं आपके पास, आपको कोई एडवाइस देनी है किसी कस्टमर को, आप उनको कितना अच्छे से एडवाइस दे के उनको कन्विंस कर सकते हैं कि हाउ दैट इज द राइट थिंग फॉर यू. सो दीज आर द काइंड ऑफ अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द स्किल्स दैट यू कैन मेंशन हियर. ऑलराइट, देन व्हाई डू यू वांट टू वर्क एट सिटी बैंक? अच्छा ठीक है, आपको तो बैंक आपने अप्लाई किया है ना, आई हैव नॉट कम टू यू टू आस्क यू टू कम एंड ज्वाइन द बैंक. सो आपने ये बैंक क्यों चूज किया, या फिर आपने बैंकिंग इंडस्ट्री क्यों चूज की है? तो वहां पे आपको जो बैंकिंग इंडस्ट्री का नॉलेज है कि भाई बैंक में होता क्या है, एंड हाउ इट विल गिव यू अ गुड करियर ऑप्शन, हाउ इट विल हेल्प यू टू ग्रो इन द इंडस्ट्री. आप अपने जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, आप उसको इस इंडस्ट्री में, इस बैंक में आप रह करके कैसे अचीव कर सकते हैं, आप उसको मेंशन करेंगे यहाँ पर. एंड वी हैव सीन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस ऑफ द सिटी यूनियन बैंक. तो भाई बैंकिंग तो चूज किया, अब मैंने सिटी यूनियन बैंक का क्यों अप्लाई किया है पोस्ट के लिए? बिकॉज ये चीजें हैं इस बैंक की, एंड दिस मेक्स इट अ वेरी ल्यूक्रेटिव ऑप्शन इन द बैंकिंग इंडस्ट्री. ऑलराइट, सो दिस वाज द रीजन कि हमने सिटी यूनियन बैंक के बारे में पहले पढ़ाई की, पहले जाना कि भाई उसके हाउ इट इज ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर, उसका एनपीए कितना कम है, उसके एडवांसेस भी बढ़ रहे हैं पहले से, समथिंग लाइक दैट. नाउ आपसे पूछा जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, ठीक है, या फिर आपकी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं. तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, इनका कोई भी सही या गलत जवाब नहीं होता है. बेसिकली अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स बता रहे हैं, मान लीजिए जैसे हमने भी बात की कि आप बोल सकते हैं कि आपका एक आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, या फिर आप एक बहुत अच्छे टीम वर्कर, आप टीम में बहुत अच्छे से काम करते हैं, गुड लीडरशिप क्वालिटीज एंड स्किल्स, तो ये चीजें सिर्फ बोलना इज नॉट गुड इनफ. ओके, ऐसे बोल तो कोई नहीं सकता है कि हाँ मुझ में ये क्वालिटीज हैं, बट यू नीड टू कन्विंस देम कि आप में क्वालिटी सच में है. तो ऐसे आंसर्स में साथ में इट्स बेटर कि आप कोई अपने लाइफ का अपने कोई ऐसा एग्जाम्पल दें जहां पर आपने ऐसी स्किल्स को पोर्ट्रे किया हो, राइट? जैसे कभी कोई ऐसी आपकी कॉलेज में या फिर आपके पुराने ऑफिस में ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हुई जहां पर यू वर स्टक और योर टीम वॉज स्टक, तो आपने कैसे उनको हेल्प किया, सोल्यूशन दिया टू गेट इट आउट ऑफ इट, या फिर आपने कैसे किसी पर्टिकुलर टीम में आपने कभी काम किया है. मे बी सपोज आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्स खेलते हैं, काम छोड़िए आप एजुकेशन भी छोड़िए, इफ यू आर गुड एट स्पोर्ट्स जिसमें कि देर इज अ टीम, ऐसा नहीं स्पोर्ट्स में ये नहीं बोलेंगे कि हाँ मैं सिंगल्स का बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलता हूँ, दैट इज अ स्टैंड अलोन जॉब. बट कोई टीम वाला स्पोर्ट्स है कि आप फुटबॉल खेलते हैं, राइट? सो दैट ऑल्सो शोज कि आप टीम के साथ कैसे काम करते हैं, टीम में आप स्ट्रैटेजीज बना करके अपनी टीम को जिताने के लिए कैसे हेल्प करते हैं. सो दीज काइंड ऑफ स्ट्रेंथ्स यू कैन मेंशन. तो स्ट्रेंथ के साथ साथ गिव अ बैकिंग स्टोरी, एन एग्जाम्पल कि हाँ यहाँ पर मैंने ये स्किल्स को अपना पोर्ट्रे किया है, तो आई नो आई हैव दिस स्ट्रेंथ. अब वीकनेस क्यों जानना है, वीकनेस का क्या काम? सो बेसिकली ऐसा होता नहीं है कि किसी भी इंसान में कोई वीकनेस ही नहीं हो, वीकनेस तो सब में होती है. नाउ इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि हम उस वीकनेस को समझें, पहचानें और उसको दूर करने की कोशिश करें. तो हमें जनरली इन वीकनेसेस का पता चलता है जब हमने कोई अपॉर्चुनिटी मिस की हो, या फिर कोई फेलियर हमने देखा हो, या फिर ऐसे आप नॉर्मली भी अगर खुद को असेस करते हैं तो यू कैन थिंक ऑफ सम ट्रेट्स जो आप करते हैं, जो फॉलो करते हैं, दे आर एक्चुअली पुलिंग यू डाउन. सो आपको एनालाइज करना है खुद का, सेल्फ असेसमेंट करके यू हैव पॉइंट यू हैव पिंट आउट दैट वीकनेस के मुझ में ये कमी है, एंड देन यू हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. बिकॉज आप में कोई वीकनेस है जानने के बाद भी इफ यू आर जस्ट लिविंग अलॉन्ग विद इट,
तो दैट शोज कि आपका आगे बढ़ने का जो जील है, खुद को बेटर बनाने की जो वो आप में वो कहीं ना कहीं लैक कर रही है। तो ऐसी वीकनेस बतानी होती है, थोड़ी थोड़ी लाइट छोटी मोटी वीकनेस। और उस जैसे किसी ने मुझे बोला था कि क्या इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होना बहुत ज़रूरी है, उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। यू कैन से कि मेरी जो स्पोकन इंग्लिश है काफ़ी, दैट इज़ नॉट वेरी फ्लुएंट, मैं बहुत ही इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। आप कैसे वर्क कर रहे हैं उस पर, आप उसके बारे में, मे बी यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स एवरी डे, आप अपने फ्रेंड से रिलेटिव से ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि इंग्लिश में बात करें, सो दैट आपकी फ्लुएंसी बढ़े और आपकी जो हिचकिचाहट है, द अनकम्फर्ट, द डिसकम्फर्ट दैट यू फील वाइल टॉकिंग इन इंग्लिश, वो दूर होती जाए, राइट? देन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, कि आपको भाई किस इंडस्ट्री में आना है या किस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है, उसको आपको अलाइन करना पड़ता है विथ योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, सो दैट आपके जो गोल्स हैं दैट विल यू विल बी एबल टू फुलफिल दोज गोल्स, अचीव दोज गोल्स बींग इन दैट इंडस्ट्री, इन दैट बैंक, इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये गोल्स कैसे होते हैं? आप ये मत बोलो कि मेरा गोल है कि मुझे सिटी यूनियन बैंक में ही रिलेशनशिप मैनेजर बनना है। योर गोल शुड बी नॉट स्पेसिफिक टू द ऑर्गेनाइजेशन, बट इट शुड मूव अराउंड द काइंड ऑफ जॉब प्रोफाइल, द काइंड ऑफ वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज एसोसिएटेड विद दैट प्रोफाइल, ठीक है? एंड देन यू कैन मेंशन कि हाँ मेरे ये जो गोल्स हैं, लाइक रिलेशनशिप मैनेजर का अगर हम लेते हैं, इट इज़ अ एंट्री लेवल मैनेजरियल प्रोफाइल। तो मेरा शॉर्ट टर्म गोल है कि मैं एंट्री लेवल मैनेजरियल प्रोफाइल में रहूँ, अपनी जो स्किल्स हैं उनको वहाँ पर मैं यूज़ करूँ और उनको और ज़्यादा फर्निश करूँ, उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करूँ, सो दैट मैं आगे चल करके इंडस्ट्री में बढ़ के ग्रोथ ले करके आई कैन रीच टू द मिडिल मैनेजेरियल प्रोफाइल, जहाँ पर कि की डिसीजन मेकिंग पावर है। इस तरह का आप कुछ उसको फ्रेम कर सकते हैं, एंड हाउ द बैंकिंग इंडस्ट्री विल हेल्प यू अचीव दोज गोल्स, गॉट इट? सो बेसिकली आपको अब एक किस तरह का काम आप करना चाहते हैं, खुद को कहाँ देख रहे हैं आज से 3 साल 5 साल में, आपको वो बोलना है। बिकॉज अगर आप जाके बोलते हैं कि नहीं मुझे तो सिटी यूनियन बैंक में ही आना है, दैट इज माई शॉर्ट टर्म गोल, दैट इज माई ड्रीम प्रोफाइल, तो आप पर बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है। बिकॉज अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ सिटी यूनियन बैंक एग्जाम नहीं देंगे, ये वो जानते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इंटरव्यू में ऑनेस्ट रहें, आपको झूठ नहीं बोलना है, बिकॉज दे आर द एक्सपर्ट्स, वो कितने सालों से कितने लोगों के इंटरव्यूज ले रहे हैं, दे विल कैच योर लाई लाइक दिस, एंड दैट विल बी, यू नो, दैट विल बी नेगेटिव फॉर यू। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो, अच्छा एक क्वेश्चन आता है, जैसे अभी ग्रुप पर भी आया था कि टारगेट बेस्ड प्रोफाइल होता है क्या, टारगेट्स होते हैं क्या, और क्वेश्चन आते हैं कि आप अपने टारगेट्स कैसे अचीव करेंगे, बिजनेस ग्रोथ कैसे करेंगे। सो टारगेट को आप ऐसा मत समझिए कि आप पर कुछ कुछ आपको एक्स्ट्रा बोला जा रहा है या फिर आप पर एक प्रेशर बना रहे हैं, दैट इज नॉट लाइक दिस। आप कुछ भी काम करते हैं तो आपका एक टारगेट हमेशा होता है। अगर हम आप सबका एग्जाम्पल लेते हैं, सो ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग, आर फाइटिंग टू गेट द जॉब ऑफ अ रिलेशनशिप मैनेजर इन सिटी यूनियन बैंक, राइट? तो अगर आप इसके लिए फाइट कर रहे हैं तो आपका टारगेट यहाँ पर है टू अचीव दैट गोल, राइट? सो बेसिकली टारगेट कैन बी रिलेटेड एज द गोल, हमको यहाँ पहुँचना है। बैंक के लिए क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, टू ग्रो, टू बिकम बिगर देन इट ऑलरेडी इज। वो आप कैसे करेंगे, विथ टारगेट्स, विथ गोल्स। सो अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको अपनी ब्रांच को बींग अ पार्ट ऑफ द ब्रांच, बींग अ पार्ट ऑफ द टीम, आपको ब्रांच को ग्रो करना है, ऊपर लेकर आना है, एंड यू हैव नॉट गिवन एनी डायरेक्शन, तो आप वो काम नहीं कर सकते हैं। तो टारगेट्स आर दोज डायरेक्शंस, दोज पिन पॉइंट्स जहां पर आप पहुंचने की कोशिश करते हैं, सो दैट द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द बैंक कैन हैपन। ओके, क्लियर है? तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं कि आप टारगेट्स कैसे अचीव करेंगे, तो टारगेट को ऐसे नहीं देखना है कि
कि हमें दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू डू बाय हुक एंड क्रुक, आपको उसके लिए कुछ प्लानिंग करनी होगी, बिकॉज टारगेट अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो आप आज यहाँ बैठ के नहीं बता सकते हैं, बट दे वॉन्ट टू सी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है और आप अपने गोल्स को या फिर आगे बढ़ाने के लिए बैंक को आप कैसे काम करेंगे, तो आपका थॉट प्रोसेस क्या है। तो आप अगर उसके लिए उसको अगर आप ब्रेक डाउन कर लेते हैं, मान लीजिए आपको टारगेट है कि आपको क्वार्टर में अपने बैंक का बिजनेस इतना ग्रो करना है, तो आप ब्रेक डाउन कीजिए क्वार्टर से आप मंथली पर आइए। सपोज आपको अपने एक ब्रांच का डिपॉजिट्स इंक्रीज करना है, तो डिपॉजिट आप कैसे इंक्रीज करेंगे, उसका आपका क्या एक डायरेक्शन क्या होगा, एक प्रोसेस क्या होगा, आपको वो सोचना है। तो आपको बेसिकली आपका वर्किंग एबिलिटी समझने के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गॉट इट? ऑलराइट, नाउ लेट्स सी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टिप्स इज टू ड्राइव द इंटरव्यू इन योर डायरेक्शन। अब योर क्वेश्चन विल बी लाइक कि अरे इंटरव्यू तो इंटरव्यूअर ले रहा है, ही इज द वन आस्किंग द क्वेश्चन, सो हाउ कैन वी ड्राइव इट इन अवर डायरेक्शन, राइट? बट आपको ऐसे अपने आंसर्स को इस तरह से आपको देना होता है टू फोकस ऑन द पॉइंट्स जिसके बारे में आपको नॉलेज ज्यादा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर आए। जैसे कि आपने जैसे टारगेट्स की बात की अभी, ठीक है, कैसे अचीव कर सकते हैं, तो आपने बोला कि हम उसको स्ट्रैटेजिकली प्लान करके या फिर हम उसको ब्रेक डाउन करके हम उसको टारगेट्स अचीव करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अच्छा किस तरह से करोगे उस चीज को। सो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैसे आ सकता है, या फिर आप ऐसे कोई टर्मिनोलॉजीज आप इंक्लूड कर सकते हैं इन योर आंसर्स कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर आए, राइट? समथिंग लाइक दैट। देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो एथिकल वैल्यूज होती हैं, लाइक आपका जो मोरल है, वो समझना की कोशिश करते हैं इंटरव्यूअर्स कि आपका इंटरव्यू आप जब दे रहे हैं तो आपके जैसे देर माइट बी सम केस बेस्ड क्वेश्चंस कि सपोज आपकी ब्रांच में ऐसे कस्टमर आए हैं, उनका ये ग्रीवांस है या फिर उनका ये रिक्वायरमेंट है, किसी को लोन लेना है और उनके डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा ऊपर नीचे गड़बड़ी है, सो हाउ कैन यू व्हाट विल बी योर प्रायोरिटी कि आप उसको एथिकली करेंगे या नहीं करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अच्छा बिजनेस बढ़ रहा है वो सोच करके यू विल बी लाइक अच्छा ठीक है डॉक्यूमेंट्स थोड़ा बहुत चलेगा एंड वी कैन जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ना। ऑलराइट, आई थिंक समवन इज वी नीड टू रिपोर्ट और ब्लॉक दीज काइंड ऑफ मैसेजेस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। राइट, आई थिंक नाउ वी आर इन अ बेटर पोजिशन, लेट्स कंटिन्यू। सो दैट वॉज एक्चुअली डिस्टर्बिंग मी, सो वी हैड टू माई फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज टू टैकल दैट। ओके, कमिंग बैक टू आर इंटरव्यू, आपके एथिकल वैल्यूज एंड पोलाइटनेस को चेक करने के लिए इंटरव्यूअर्स के पास दो तीन तरीके होते हैं। वन, दे कैन गिव यू सर्टेन सिनारियो, सर्टेन केस बेस्ड क्वेश्चंस, एंड दे कैन सी कि आपने क्या पाथ चूज किया हैव यू चोजन द एथिकल पाथ और हैव यू चोजन टू यू नो गो यू नो थोड़ा सा अपने रूल्स को बेंड करके हम कस्टमर की क्वेरी पूरा कर लेते हैं और अपने टारगेट्स पूरे कर लेते हैं, या फिर अपना जो है यू नो समहाउ कॉम्प्रोमाइज विथ योर वैल्यूज और द बैंक्स वैल्यूज। सो दैट इज अ वेरी बिग नो नो, बिकॉज बैंकिंग इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट सर्विस एंड ट्रस्ट। अरे आप किसी और के पैसे के साथ आप अपना काम कर रहे हैं, राइट? द मनी दैट यू आर गिविंग इन लोन्स टू समवन एल्स इज एक्चुअली द मनी डिपॉजिटेड बाई अनदर कस्टमर, दैट इज नॉट योर ओन मनी। तो वो ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो वर्किंग है इट शुड बी वेरी एथिकल, इट शुड बी वेरी राइट, गलत नहीं होना चाहिए कोई, ठीक है? सेकेंडली, आपके जैसे अपने से कोई अपना पास्ट एक्सपीरियंस बताया हो, उसमें आपने किसी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस में, पर्टिकुलर सिनेरियो में आपने कैसे बिहेव किया है, या फिर अगर कोई कस्टमर
आपके पास बार बार आ रहा है अपनी क्वेरी को लेकर के, तो आप उसको कैसे, उससे कैसे बात कर रहे हैं? क्या आप उसको रूडली बोल रहे हैं, या फिर आप उसको बहुत ही पोलाइटली उसकी बातों को समझ रहे हैं और उसको सोल्यूशन आप दे रहे हैं? दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द सर्विस इंडस्ट्री, बिकॉज दैट इज ऑल द कस्टमर कैन सी. ओके, सो ये तो था अपना एचआर का पोर्शन. नाउ वी विल कम टू द बैंकिंग अवेयरनेस एंड द जनरल अवेयरनेस पार्ट, कि आपको एक एग्जाम्पल जैसा है कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको क्या नॉलेज होना चाहिए. सो जैसे वन ऑफ द वेरी आई थिंक इज देयर एनी अदर क्वेश्चन. ओके, देयर इज वन अनदर क्वेश्चन मिस्टर देवेश हैज आस्क्ड. लेट्स सी दैट फर्स्ट. मैम, आई वर्क 5 to 6 months एज प्रोजेक्ट इंजीनियर इन टेक्निकल फील्ड, शुड आई मेंशन इन इंटरव्यू और नॉट एज एन एक्सपीरियंस? देवी, से थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड आपका क्वेश्चन है, पर्सनलाइज्ड आपको मुझे इसको काउंसलिंग देना पड़ेगा. तो अभी हम इंटरव्यू में, अभी हम सेशन में इसको स्किप करते हैं. दिस वी कैन डिस्कस लेटर ऑन, मे बी जब आपका मॉक इंटरव्यू हो, या फिर जब हम का अपने सेशंस लेंगे इन द इन द संकल्प एजुकेशन ऐप, हम जब सेशंस लेंगे तब हम आपको वन ऑन वन काउंसलिंग हर किसी स्टूडेंट को देंगे. आपको कैसे अपने चीज़ों को बताना है, कितना बताना है, और अपने आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं. सो वो जो डिटेल डिस्कशन होगा दैट विल कैरी आउट देयर. अभी ये जो एक ओवरव्यू है, इट इज फॉर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या है. एंड एट द एंड आई विल टेल यू कि आपको जो जो आपको जो बैच आप ज्वाइन अगर करते हैं, तो आपको उसमें क्या क्या पूरे फीचर्स, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, दैट विल टॉक अबाउट इट इन द एंड. इज दैट ओके? चलो, सो सबसे ज्यादा जो अभी वी कैन सी द एडवांसमेंट इन द बैंकिंग इंडस्ट्री इज ऑफ डिजिटल बैंकिंग, राइट? तो बैंक्स जो हैं पेन एंड पेपर फॉर्म से मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन. एंड मोर आफ्टर वी हैव सीन द कोविड पेंडेमिक, सो पीपल वॉन्ट कि उनको ये जो सर्विसेज हैं बैंक जाए बिना मिल जाए. तो वॉट एक्चुअली इज द डिजिटल बैंकिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, बैंक को क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, कस्टमर को क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं. एंड डिजिटल बैंकिंग में जब बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो एज एवरी कॉइन हैज टू पार्ट्स, टू साइड्स, तो डिजिटल बैंकिंग के भी दो साइड्स हैं. आपको काफी प्रॉफिट्स, आपको काफी बेनिफिट्स मिल रहे हैं. अलॉन्ग विद दैट देर आर सर्टेन थ्रेट्स दैट आर इन्वॉल्व, दैट आर इंक्लूडेड इन द डिजिटल बैंकिंग. तो आपको उन थ्रेट्स को भी समझना होगा. अच्छा, अब हम ये अब सोच सकते हैं कि यार नेगेटिव चीज के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, हमको तो पॉजिटिव बताना है, राइट? बट जब तक आपको थ्रेट्स के बारे में आपको पता नहीं होगा, नेगेटिव या डाउन साइड क्या है आपको पता नहीं होगा, तो आप उसको दूर करने के लिए कैसे आप कुछ कोशिश करेंगे? इट इज सिमिलर लाइक वी हैव सीन इन द लास्ट स्लाइड, कि आपकी वीकनेसेस के बारे में आप खुद पता करते हैं, खुद ढूंढते हैं, सो दैट यू कैन वर्क ऑन दोज वीकनेसेस टू बिकम अ बेटर पर्सन. तो डिजिटल बैंकिंग में भी उसके जो थ्रेट्स हैं, जैसे फ्रॉड्स हो सकते हैं या साइबर अटैक्स हो सकते हैं, तो उन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बिकॉज देर आर मेनी मेजर्स ऑलरेडी अवेलेबल. तो जब तक आपको नेगेटिव्स का पता नहीं होगा, तो आप उसको दूर करने के लिए कोशिश कैसे करेंगे, राइट? देन देर आर सर्टेन बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज, आप लोगों ने थोड़ा बहुत देखा भी होगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब क्या होता है, इनकी क्या जरूरत होती है, और आरबीआई टाइम टाइम पर ये रेट्स चेंज क्यों करती है, उससे क्या फायदा होता है, क्या इफेक्ट होता है इन द इकोनॉमी. देन बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज कुछ हैं, देर आर मेनी अदर टर्मिनोलॉजीज एज वेल, बट ये मैंने आपको एग्जाम्पल, एक ओवरव्यू दिया है, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. एनडीटीएल क्या होता है, वॉट आर कैश इक्विवेलेंट्स, NEFTs, RTGS, ये सब चीज़ें थोड़ा आपको आइडिया रहना चाहिए. और दूसरा, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो बेसिकली बैंक क्या होता है, बैंक की क्या क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, तो ये आपको सबसे अच्छा आइडिया मिलेगा अगर आप बैंक की साइट पर चले जाते हैं. तो जितने भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होती हैं उस बैंक की, उस पर मेंशन ही होती हैं. तो किसी भी बैंक की मोर और लेस
प्रोडक्ट सर्विसेज सेम ही है, तो एक बार आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे, ओवरव्यू आपको मिल जाएगा, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उसमें बेटर हो जाएगी। ओके, देन उसके बाद अगर हम चेक करें, जैसे आपने लोन्स तो देख लिया, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज एडवांसेस इन लोन्स। अब लोन्स के भी टाइप्स होते हैं, सिक्योर लोन है, अनसिक्योर लोन है, किसी में कोलेटरल है नहीं है, उनके रेट्स किस तरह के हैं, ये सब थोड़ा सा अगर आप जैसे सुपरफिशियली नहीं पढ़ के थोड़ा सा इनडेप्थ आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, ये आप देख सकते हैं उसमें। बिकॉज कोलेटरल आज के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन टर्म हो गया है, एवरीबडी नोज अबाउट इट। तो अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो आपको उसके बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए। देन जो बैंक्स हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आता है, और आरबीआई इज द गवर्निंग अथॉरिटी, तो आरबीआई एक्ट भी होता है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट आपको थोड़ा सा आइडिया इनका भी होना चाहिए, ये एक्ट कब आया था, ये एक्ट क्यों आया था, इनकी क्या ज़रूरत है, फिर सिबिल क्या है। जब भी हम किसी को लोन देते हैं तो उनका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। आपके पास भी कई बार फोन आते होंगे कि आपका लोन अप्रूव हो गया है, तो अप्रूव कैसे हुआ है, प्री अप्रूव लोन कैसे मिलता है, तो बेसिकली उसमें क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है कस्टमर्स का, वो क्रेडिट स्कोर कहाँ से आता है, हु इज गिविंग दैट स्कोर, सो थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो ये सब आप एक बार आप बेसिक इंफॉर्मेशन आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं, देर आर मेनी साइट्स जहाँ पर आपको बैंकिंग की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या है। हालांकि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट सिंस जैसे एग्री बिजनेस है तो उससे रिलेटेड आपको देखना पड़ेगा। अब अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि बैंक का हमने वर्किंग तो देखा, बट अब बैंक का प्रॉफिट या बैंक की इनकम कैसे होती है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो 90% टाइम आंसर ये मिलता है कि बैंक जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करती हैं उनसे उनका कमीशन इनकम होती है, मोस्टली तो फोकस इन द बैंक अश्योरेंस। ठीक है, बैंक अश्योरेंस एंड बैंकिंग, ये जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं ये बैंक सेल करती हैं, बट दैट इज नॉट द मेन और द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ बैंक। ये तो बहुत बाद में जाकर बैंकिंग में इंक्लूड हुआ है, राइट? एक जब से बैंक शुरू हुए हैं तो बेस क्या रहा है, सो सबसे पहले इट शुड बी द इंटरेस्ट इनकम, जो कि बैंक लोन देती है उस पर उनको इंटरेस्ट इनकम मिलती है, राइट? तो ये है, फिर आपके सर्विस चार्जेस होते हैं, दैट इज देयर। सो आपको ओवरऑल तीन चार एटलीस्ट ऐसे पता होने चाहिए जहां से कि बैंकिंग का प्रॉफिट या फिर उनका इनकम जनरेट होता है। ओके, देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, फिर टाइप ऑफ चेक्स, चेक क्या है, चेक क्यों यूज होता है, कितने तरह के चेक हो सकते हैं, बिकॉज बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप चेकबुक भी लेंगे ही, बिकॉज वन ऑफ द वेरी बेसिक प्रोडक्ट ऑफ द बैंक इज द चेक्स। बिकॉज जो नेट बैंकिंग या जो डिजिटल बैंकिंग यूज नहीं कर रहा है वो किसी को अपने अकाउंट से पैसे कैसे ट्रांसफर करता है, वन ऑफ द वेरी इजी एंड कन्वीनियंट वे इज टू गिव देम अ चेक। कई बार सुना होगा यार, उसको इतने रुपए का चेक दिया है या फिर चेक मिला है, तो चेक होता क्या है? देन चेक के अलावा और ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं या फिर कौन से तरीके हैं जिससे आप किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? एमएसएमई क्या होता है? एमएसएमई अगर आपसे पूछा जाए, अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आपसे कोई ऐसे टर्मिनोलॉजीज पूछी जाती है तो आपको ये नहीं बोलना है कि जैसे मान लो एमएसएमई ही है तो आपने बस बोल दिया उसका फुल फॉर्म क्या है, या फिर एनपीए से पूछा आपने बोल दिया कि हाँ उसका फुल फॉर्म ये है, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। फुल फॉर्म नहीं, आपको उससे क्या समझ में आता है, वो टर्म का मतलब क्या है, वो टर्म क्यों यूज हो रहा है, आपको वो समझाना है उन्हें, राइट? तो एक दो लाइन का आपको एक उसका डेफिनेशन या एक आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल, बिकॉज ऐसे फुल फॉर्म तो कोई भी याद कर सकता है, बट आपकी नॉलेज जो चेक होगी वो आपकी
आपको उसके बारे में क्या पता है उससे होंगे। देन क्रॉस सेलिंग क्या होती है, क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या होता है, ये मत बोलो कि हाँ हम इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं वो क्रॉस सेलिंग है। ठीक है, वेरी क्रूड लैंग्वेज में अगर हम बोल रहे हैं तो आप सही बोल रहे हैं, आप गलत नहीं है, बट उसका मतलब समझिए ना। अगर आप अपने प्राइमरी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के अलावा किसी थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट सर्विसेज कर रहे हैं तो वो क्रॉस सेलिंग में आता है। ओके, आई थिंक दिस इज द मिस्टेक आई हैव मेड हियर। इंस्टेड ऑफ फेडरल बैंक इट शुड बी सिटी यूनियन बैंक, दैट इज माई वेरी दैट इज आई एम सॉरी अबाउट इट। तो ये आपको बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन आपको फेडरल आपको सिटी यूनियन बैंक की वेबसाइट एक बार जरूर विजिट कर लेनी है, क्योंकि इसमें आपको काफी सारी फीचर्स के बारे में, काफी फ्रिक्स के बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगा। एंड देन करंट अफेयर्स के बारे में तो आपको पढ़ना ही है, दैट विल गिव यू द नॉलेज ऑफ द जनरल अवेयरनेस पार्ट। आपको पता होना चाहिए कि भाई आपकी सिटी में भी क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, आपकी कंट्री में भी क्या चल रहा है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नो प्रोसीजर गोइंग ऑन इन द कंट्री राइट नाउ। तो थोड़ा आपको इसका आइडिया होना चाहिए। अब इसके बाद लेट्स टेक द क्वेश्चंस, किसी को जो डाउट है आप यू कैन स्टार्ट ऑन आस्किंग वन बाय वन। ओके, किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? देर वर कपल ऑफ डाउट्स दैट पॉप्ड अप इन द यू नो इन द मिडल ऑफ द सेशन एंड आई आस्क्ड यू टू होल्ड ऑन टू दोस डाउट्स, कि हम उसको एंड में विल केटर टू देम। सो इट इज द टाइम आप पूछ लीजिए, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट सैलरी ऑफ अ रिलेशनशिप मैनेजर। सी आई एम नॉट इन द कंडीशन टू डिस्क्लोज इट बिकॉज ये जो चीजें होती हैं दिज आर डिसाइडेड बाई द बैंक, बट जो एक जनरल ट्रेंड देखा गया है इट इज समवेयर अराउंड 4 to 5 lakhs पर ईयर। ओके, हाउ मेनी डेज करंट अफेयर्स आर रिक्वायर्ड? सो करंट अफेयर्स जो बेसिकली आपका अगर हम समझते हैं तो सम 3 to 4 months का जो आपका लास्ट 3 to 4 months की जो न्यूज होती है दैट कम्स अंडर द करंट अफेयर्स। पर ऐसी कोई न्यूज जो बहुत टाइम से चल रही है या जो काफी बड़ी रही है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, द रशिया यूक्रेन वॉर शुरू तो ये हुआ था वे बैक इन फेब्रुअरी, बट इट हैज बीन अ वेरी बिग इश्यू वर्ल्ड वाइड, अभी भी द सिनेरियो इज गोइंग ऑन, तो दैट विल ऑल्सो कम अंडर द करंट अफेयर्स। देन वर्षा इज आस्किंग, मैम इंटरव्यू लैंग्वेज हिंदी रहेगा या इंग्लिश रहेगा? सी आपका जो प्राइमरी लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश ही रहता है, जनरली स्टार्ट इंग्लिश में ही होते हैं, बट इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द पैनल हु इज टेकिंग द इंटरव्यू, वो हिंदी में स्विच कर लेते हैं, या फिर कभी होता है कि अगर आप कहीं अटक रहे हैं, आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, कोशिश ये रहती है कि आप पहले इंग्लिश में ही आंसर करें, बट अगर आपको लग रहा है कि हम आंसर ही नहीं कर पा रहे हैं, यू नॉट एबल टू फ्रेम दैट आंसर इन इंग्लिश, तो इट्स बेटर कि आप उसका आंसर हिंदी में दे दें। देखिए, आंसर नहीं देना ज्यादा बुरा है देन आंसर हिंदी में देना। ठीक है, सो प्राइमरी लैंग्वेज इंटरव्यूज की इंग्लिश ही रहती है, बट समटाइम्स इट इज सीन कि अगर लोकल लैंग्वेज में अगर कंफर्टेबल होते हैं बोथ द पैनल एंड द इंटरव्यूवी तो वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द पैनल, बट आप इंग्लिश के लिए थोड़ा प्रिपेयर करते रहिए। वेन आर यू स्टार्टिंग द मॉक इंटरव्यू सेशन मैम एंड वॉट इज द कॉस्ट? ओके, सो द सेशन जो है अपना दिस बैच विल बी लॉन्च्ड ऑन द आई प्रथम ऐप ऑफ संकल्प एजुकेशन। आप आई प्रथम ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, एंड वंस यू ओपन इट आपको लाइव बैचेस में स्पेशल इंटरव्यू बैच दिखेगा सिटी यूनियन बैंक के लिए। इफ यू ओपन इट आपको वहां पर पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू कि आपको बेसिकली इस सेशन में, इस बैच में क्या क्या मिलेगा, क्या क्या फीचर्स होंगे। सो यू विल गेट 3 to 4 सेशंस की इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कैसा करना है।
जैसे एक एचआर पार्ट के लिए एक्सक्लूसिव एक सेशन रहेगा कि आपको एचआर की तैयारी कैसे करनी है, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको ड्रेस कोड क्या फॉलो करना है. ऑल दीज थिंग्स विल कम इन वन सेशन. एक सेशन आपका हम लेंगे फॉर द बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट, और कुछ आपका जनरल अवेयरनेस का भी होगा. सो जस्ट 3-4 सेशंस विल बी देयर फॉर दैट. एंड वंस वी आर डन विथ अवर सेशंस, सो दैट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए और आप उस सबसे प्रिपेयर करना शुरू करें, उसके बाद हम अपने इंटरव्यूज शुरू करेंगे. तो सेशंस विल बी टेकन इन द ऑनलाइन मोड, और जो आपके इंटरव्यूज होंगे बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑप्शंस विल बी देयर. ऑनलाइन विल बी टेकन बाय मी, और ऑफलाइन जो है वो निखिल डांगे सर लेंगे आपका. अगर आप औरंगाबाद में हैं, अवेलेबल आप वहां पर हैं अगर, तो आप संकल्प एजुकेशन के ऑफिस में जाकर के ऑफलाइन अपना इंटरव्यू दे सकते हैं. अदरवाइज यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन ऑफ द ऑनलाइन मोड. द एंटायर बैच विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स एट कॉस्ट ऑफ 1,000 रुपीज प्लस GST. आपको मेंशन है अगर आप आईप्रथम ऐप में जाकर के ओपन करके देखते हैं. एंड इफ यू आर एन एग्जिस्टिंग स्टूडेंट ऑफ संकल्प एजुकेशन, अगर आपने आईप्रथम का जो कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच अगर आपने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, तो ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा. ओके, देर आर सम अदर क्वेश्चंस. वी डोंट रिमेम्बर ग्रेजुएशन सिलेबस. आदर्श देखिए, अगर आपका जब एकेडमिक नॉलेज की मैं बात कर रही हूँ, तो आपसे ऐसा नहीं होता है कि जैसे आपने अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया था, आपसे वैसे क्वेश्चंस पूछे जाएं. बट एक जब आपने अगर कोई भी चीज़ पढ़ी है, तो आपको थोड़ा बहुत तो चीज़ें याद रहती हैं, राइट? जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो मुझे आज भी उसकी बेसिक बेसिक चीज़ें तो याद रहेंगी. जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट वर्क था इन द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस पार्ट. तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस का जो बेसिक चीज़ है, होती क्या है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, तो मुझे उसका थोड़ा आइडिया है. तो आपको एकदम ऐसा है नहीं कि आपको उसका एग्जाम देना है बैठ करके. बेसिक चीजें पूछी जाती हैं आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल समझने के लिए, ठीक है? एंड यू कैन ऑलवेज ब्रश अप अ लिटिल बिट, ठीक है? आपको उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको अपने बुक्स या नोट ढूंढने की जरूरत है. गो टू इंटरनेट, गूगल पर टॉपिक डालिए, और जो बेसिक बेसिक चीजें हैं आप 3 से 4 घंटे में उसको कंप्लीट कर सकते हैं. थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ना. एवरीथिंग कांट बी यू नो ऑलरेडी सेट एंड रेडी फॉर यू. आपको थोड़ी मेहनत तो खुद करनी पड़ेगी. यू हैव टू फाइट विथ अदर्स टू गेट दिस प्रोफाइल, दिस पोजिशन. ओके मैम, टू हैव नॉलेज अबाउट योर स्टेट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट. यस अभिषेक, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपका आपको अपने इंट्रोडक्शन में भी यू शुड मैंशन आप किस सिटी से हैं, किस जगह से हैं, तो आपको उस पर क्वेश्चन भी आते हैं. देन आपका स्टेट या सिटी के बारे में करंट अफेयर्स तो पूछे ही जाते हैं. और आपके सपोज अगर आपकी सिटी में ऐसा कोई कोई फेमस चीज़ है, सपोज अगर आप आगरा से हैं, तो आपको ताजमहल, लाल किला के बारे में पता होना चाहिए, राइट? औरंगाबाद से हैं जैसे स्टूडेंट्स, तो उनसे पूछा जा सकता है कि टेल मी समथिंग दैट मेक्स योर सिटी फेमस. आपकी सिटी में क्या चीज़ है जो फेमस है? तो आपको उसका थोड़ा एटलीस्ट 2-3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए. वॉट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द इंटरव्यू? सी, डॉक्यूमेंट्स का जो लिस्ट होती है, दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू बाई द ऑर्गेनाइजेशन इट सेल्फ, बाई द सिटी यूनियन बैंक. क्योंकि ये अलग अलग कंपनीज, अलग अलग बैंक जो हैं, अलग चीज़ें फॉलो करते हैं. सम माइट आस्क कि आप इंटरव्यू के टाइम पर डॉक्यूमेंट सारे लेकर के आएँ, दैट विल बी क्रॉस चेक्ड. सम माइट से कि आपका इंटरव्यू प्रोसीजर होने के बाद, सिलेक्शन के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन वर्क होगा. सो बेसिक आपका किसी भी इंटरव्यू दैट आई हैव सीन टिल नाउ, आपको अपने जितने भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स होते हैं, आपका 10th 12th है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यदि आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस का आपका ज्वाइनिंग लेटर, इफ यू हैव रिजाइंड तो वहाँ का आपका रिलीविंग लेटर, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड. देन आपका अगर आपने कोई कंपटीशन, कोई सर्टिफिकेट अगर आपने मेंशन किया है, तो इट इज ऑलवेज अ गुड हैबिट कि आप उस सर्टिफिकेट को भी साथ में कैरी कर लें, ठीक है? इंटरव्यू लोकेशन कहाँ रहेगा? शुभम, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस कि आपका जो ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, दैट यू कैन गिव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम इटसेल्फ. उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. सो दैट इज व्हाई
वी आर यू नो कंडक्टिंग दीज इंटरव्यूज ऑनलाइन सो दैट स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री कैन अवेल दीज सर्विसेज द बेनिफिट्स ऑफ द इंटरव्यू गाइडेंस. एंड यदि आपको ऑफलाइन इंटरव्यू देना है सो वन ऑफलाइन इंटरव्यू कैन बी कंडक्टेड इन औरंगाबाद एट द ऑफिस ऑफ सेंटर ऑफ एजुकेशन. मैम 2 ईयर का ग्रेजुएशन के बाद गैप है उसके बारे में क्या? सौरभ भी दिस अगेन इज अ यू नो पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस विल बी गिवन टू दिस. तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे. विल गिव यू कि ग्रेजुएशन आपने किस फील्ड में किया है, उसके बाद गैप क्यों है, उस गैप को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं. गैप होना इज नॉट नेसेसरी कि इट विल बी अ नेगेटिव थिंग ओनली, या फिर गैप है तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है. नहीं, इफ द गैप इज जस्टिफाइबल सो एवरीबडी विल अंडरस्टैंड दैट, इवन द इंटरव्यूअर विल अंडरस्टैंड दैट. देवेश इज सेइंग दैट इट इज अ वेरी फ्रूटफुल सेशन. थैंक यू देवेश. एंड इस सेशन के साथ साथ आपके जो आगे के सेशंस हैं और आपके आगे की जो गाइडेंस आपको दी जाएगी दैट विल बी इवन मोर फ्रूटफुल, इवन मोर बेनिफिशियल फॉर यू ऑल. कैलाश शिवालय, नेक्स्ट आई प्रथम लेक्चर शेड्यूल. सो दिस बेसिकली आज का जो सेशन था इट वॉज एन ऑनलाइन लाइव सेशन, ये सबके लिए अवेलेबल था. बाकी के जो सेशंस होंगे ये आपको आई प्रथम के ऐप पर ही मिलेंगे सो दैट यू विल हैव टू गेट योर सेल्फ एनरोल फॉर द आई प्रथम ऐप, और आपको वहीं पर सेशंस के बारे में बता दिया जाएगा. एंड वी ऑल्सो हैव वन व्हाट्सएप ग्रुप, आप उस पर भी आपको डिटेल्स उसकी मिल जाएंगे. सो वंस यू हैव एनरोल्ड योर सेल्फ आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा एंड यू विल गेट ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देयर इट सेल्फ. ओके, बैंक का इंटरव्यू लोकेशन. ओके, सो दिस वन अनदर क्वेश्चन बिफोर दैट. मैम इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अदर स्टेट पोस्टिंग अदर देन अवर होम स्टेट. यस शाहरुख, देर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी ऑफ दैट. ये किसी भी बैंक में आप जाते हैं, किसी बैंक की इंडस्ट्री में ये तो होता ही है. बिकॉज आपकी एरिया से जितने लोगों ने अप्लाई किया है और आपके एरिया में कितनी वैकेंसीज हैं वो जरूरी नहीं है कि सेम हो. सो देर आर हाई चांसेस कि आपको आउट ऑफ होम पोस्टिंग मिल सकती है. एंड कई बार ये क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं इंटरव्यू में कि यदि आपको आउट ऑफ होम पोस्टिंग मिल जाती है तो विल यू बी कंफर्टेबल विद दैट. तो वहां पर आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ आई एम रेडी टू वर्क इन एवरी लोकेशन, अगर इफ यू रियली वॉन्ट टू गेट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड बी अ पार्ट ऑफ द बैंक. अगर आप वहां पर बोलते हैं कि नहीं आई कैन नॉट मूव आउट ऑफ माई होम ब्रांच, आउट ऑफ माई होम सिटी, तो थोड़ा फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है. बिकॉज आफ्टर ज्वाइनिंग फिर हाउ विल दे यू नो मेक श्योर दैट यू आर गिवन योर होम पोस्टिंग. बैंक का इंटरव्यू लोकेशन. अतुल अगेन, दिस बैंक का इंटरव्यू कब होगा और कहाँ होगा ये डिटेल्स तो बैंक ही शेयर कर पाएगा, राइट? जब बट जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपके एनी ऑर्गेनाइजेशन जब वो इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं तो वो ये कोशिश करते हैं कि इंटरव्यूवीज को बहुत ज्यादा मूव नहीं करना पड़ा इंटरव्यू देने आने के लिए. तो वो मतलब पूरा एरिया, पूरा पैन इंडिया कवर करने की कोशिश करते हैं. तो दे विल कीप सम प्राइम लोकेशंस जहां जहां पर इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे, बट द एग्जैक्ट डिटेल्स विल बी शेयर बाय द बैंक इटसेल्फ. ओके, साइंस बैकग्राउंड टू बैंकिंग सेक्टर. यस वैभव, दिस अगेन इज अनदर पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन. एंड ट्रस्ट मी, देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो साइंस बैकग्राउंड से बैंकिंग सेक्टर में आते हैं, तो उनके लिए वी हैव सर्टेन इनपुट, सर्टेन गाइडेंस, जिस तरह से आप उसको अलाइन कर सकते हैं कि वाई आफ्टर साइंस एंड आफ्टर एनी अदर स्ट्रीम आप बैंकिंग में क्यों आ रहे हैं. इफ यू बिलीव मी, 80 to 90% एम्प्लॉयज हुआ वर्किंग इन फाइनेंशियल इंडस्ट्री और वर्किंग इन बैंक, दे कम फ्रॉम साइंस एंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ओनली. ओके, सो बी कॉन्फिडेंट एंड बी रिलैक्स्ड, देर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट. ओके, सनत इज ऑल्सो सेइंग थैंक यू फॉर द वैल्यूएबल गाइडेंस. थैंक यू सो मच सनत. ओके, अभी आपको जो हमने दिया था इट वॉज जस्ट एन ओवरव्यू, और ज्यादा डिटेल्ड हम आपको इसका गाइडेंस देंगे. बिकॉज यू नो बीइंग एन इनसाइडर आप एक्चुअली समझ सकते हैं कि बैंक में क्या होता है, और एट द टाइम ऑफ हायरिंग उनके
एक इंटरव्यूअर के दिमाग में क्या चल रहा होता है। दे वॉन्ट टू सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट्स, बेस्ट सुटेबल ऑप्शंस फॉर द प्रोफाइल। सो दे विल ट्राई टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू। आपका जो पोटेंशियल है उनको एसेस करना है। इंटरव्यूअर को आप ऑब्स्टेकल मत समझिए, दैट इज अ स्टेपिंग स्टोन है, वो एक सीढ़ी होती है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, राइट। सो विल हैव इवन मोर इंटरेस्टिंग एंड बेटर सेशंस आफ्टर दिस, वंस वी आर यू नो, वंस यू हैव ऑल एनरोल्ड फॉर द ऐप, देन आपका जो अच्छा सेशंस के साथ साथ आपके जो इंटरव्यूज होंगे उसमें आपको पर्सनलाइज्ड फीडबैक भी दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट होता है कभी, सो यू कैन ऑलवेज अप्रोच अस ऑन व्हाट्सएप और थ्रू कॉल। आपको उसमें भी हम हमेशा ही अपने स्टूडेंट्स को गाइड किया है। आई थिंक कई स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने जो पहले से संकल्प के साथ जुड़े हुए हैं। वी हैव बीन हेल्पिंग देम, विल डू इट आफ्टर दिस ऑल्सो। ओके, एनी अनदर डाउट? इंटरव्यू इंग्लिश में देना कंपलसरी है क्या? स्नेहा, कंपलसरी तो नहीं होता है, लेकिन इट इज प्रेफर्ड कि आप इंग्लिश में, अगर आप दे सकते हैं इंटरव्यू अपने इंग्लिश में तो इंग्लिश में ही दें। बिकॉज पैन इंडिया अगर आपको हायर किया जा रहा है फॉर द सेम प्रोफाइल, तो आपकी पोस्टिंग सपोज किसी ऐसी जगह पर हो गई है जहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, या फिर आपको लोकल लैंग्वेज में आप कॉन्वर्स नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। सो इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड कि आप इंग्लिश में कोशिश करें। इफ यू गिव योर इंटरव्यू इन इंग्लिश और आपका वो कॉन्फिडेंस अगर आप शो कर सकते हैं कि आई कैन डू इट, तो काफी सही रहता है। देन इज देर एनी जीडी बिफोर इंटरव्यू? ओके आकाश, ये आपका जो सिटी यूनियन बैंक का जब नोटिफिकेशन आया था, तो इसमें साफ साफ मेंशन था कि देर विल बी ओनली टू स्टेजेस फॉर द सिलेक्शन, दैट इज वन इज द रिटन एग्जाम एंड सेकेंड इज द इंटरव्यू। तो सिटी यूनियन बैंक में कोई भी आपका जीडी का प्रोसेस नहीं होगा, जीडी का फेस नहीं है। और सिंस यू हैव क्लियर्ड द रिटन एग्जामिनेशन, तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू की ही तैयारी करनी है। यू आर वेरी क्लोज टू योर यू नो योर गोल्स ऑलरेडी। अब आपको थोड़ी मेहनत और करनी है एंड यू विल रीच देयर। ओके आदर्श, यू आर सेइंग अदर स्टेट्स? यस आदर्श, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, बैंक में, बैंकिंग इंडस्ट्री में आपकी जो पोस्टिंग है इट कैन बी गिवन इन अदर स्टेट्स, इन अदर सिटीज एज वेल, ठीक है? तो वहां पर ये सिनेरियो होता है, बट नॉट नेसेसरीली कि आपको और कहीं पोस्टिंग मिलेगी ही मिलेगी। ओके, व्हेन आई जॉइंड एसबीआई, माय होम टाउन इज इन रायपुर, छत्तीसगढ़। ओके, एंड माय फर्स्ट पोस्टिंग वाज इन भिलाई, दैट इज ओनली 1 आवर ड्राइव फ्रॉम माय होम। तो जरूरी नहीं है ना कि आपको दूसरी स्टेट में मिलेगा। एसबीआई इज अ वेरी बिग बैंक और उनकी तो बहुत सारी ब्रांचेस है, बट उनकी प्रायोरिटी होती है, वो कोशिश करते हैं कि आपको आपकी होम टाउन की ही लोकेशन मिले, मतलब होम स्टेट ही मिले, आपको दूसरी जगह नहीं भेजा जाए। बट दे कैन नॉट एश्योर इट, दे कैन नॉट गारंटी इट कि आपको वही पोस्टिंग मिलेगी। सो यू शुड बी प्रिपेयर, यू शुड बी रेडी फॉर इट। आर बैंक पेपर्स एंड क्लास पेपर्स सिमिलर लाइक क्वेश्चन एंड आंसर? अभिषेक, मुझे आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा आप मुझे फिर से बताएंगे आप पूछना क्या चाह रहे हैं? बैंक पेपर्स एंड क्लास पेपर्स क्या बोल रहे हैं आप? देन मैम, आई गिव माई इंटरव्यू इन बायलिंगुअल लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी। इसने आप कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश में ही रहें, बट अगर आपसे हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाता है तब उसका आंसर हिंदी में दीजिए एंड नेक्स्ट में यू स्विच बैक टू इंग्लिश। बट सबसे अगर आप एकदम अटक गए हैं, आप नहीं बोल पा रहे हैं किसी चीज का आंसर इंग्लिश में, बट आपको चीज पता है, तो वहां पर चुप रहने की बजाय आप उसका आंसर हिंदी में दे दीजिए, दैट इज ऑलवेज बेटर। बट कोशिश कीजिए जहां जहां बोल सके इंग्लिश में, वो एक ज्यादा प्रिफर्ड रहता है। मैम, हाउ कैन वी रीच यू पर्सनली? ओके, सो दिस इज माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इफ यू कैन ऑल सी। आई थिंक थोड़ा सा लैग है, अभी शो नहीं कर रहा है। या आप मैं डिटेल्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं। माई मोबाइल नंबर एंड माई ईमेल आईडी बोथ आर मेंशनड हियर। एंड अब जब अगर आप बैच के लिए एनरोल कर लेते हैं, तो आई विल बी
इन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल, आप मुझसे वहां पर कभी भी अपने कोई डाउट्स से आप मुझसे पूछ सकते हैं, देर इज नो इश्यू इन दैट. मैम सपोज समवन फंबल्स इन बिटवीन द कॉन्वर्जेशन, हाउएवर स्लोली एंड ग्रेजुअली वन कैरीज इट, देन देर इज एनी स्नैग और कंसर्न. अभिषेक, अगर आप फंबल करके इफ यू आर अगेन एबल टू ग्रास्प योर कॉन्फिडेंस, अगर आपने उसको कवर अप कर लिया है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बिकॉज इससे आपकी एक पॉजिटिव चीज़ पता चलती है कि जैसे अगर आपने फंबल किया तो फंबल आप जनरली तब करते हैं जब आप नर्वस होते हैं, राइट. बट अगर उसके बाद आप यू कीप ऑन फंबलिंग एंड यू आर नर्वस इन द एंटायर इंटरव्यू, तो नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है. बट अगर आपने उसको अगर आपने उसको रेक्टिफाई कर लिया है, आपने उसको धीरे धीरे उसको इन द इंटरव्यू इटसेल्फ अगर आपने उसको कवर कर लिया है एंड यू आर शोइंग योर कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस तो दिख रहा है आपका, साथ में ये भी दिख रहा है कि आपने डिफिकल्ट सिचुएशन फेस किया, राइट. दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द इंटरव्यू वॉज अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर यू, और आपने खुद को उससे बाहर निकाल करके और बेटर परफॉर्मेंस दिया है, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर यू. ओके, सो इससे आपको एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, अगर आपने फंबल किया भी, अगर आप नर्वस हो भी गए कहीं पर, तो भी आपको वहां से खुद को ऊपर लाना है, आपको अपना नर्वसनेस दूर करनी है, कॉन्फिडेंस आपको पोर्ट्रे करना है, और बस कॉन्वर्जेशन ही तो है, कर लीजिए आराम से बात, राइट. हाउ मेनी राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज विल बी देयर मैम? ओमकार, ये आप मॉक इंटरव्यूज का पूछ रहे हैं या फिर एक्चुअल इंटरव्यू का पूछ रहे हैं? एंड अभिषेक, आपका भी मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ था, कैन यू प्लीज रिकंस्ट्रक्ट योर क्वेश्चन? यस, ओके अभिषेक, आई होप यू गॉट माई पॉइंट. सो ओमकार एंड अभिषेक, मैं आप आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप मुझे अपना क्वेश्चन थोड़ा क्लियर करें, सो दैट आई विल बी एबल टू गिव द राइट गाइडेंस टू यू. अच्छा, आई थिंक देर वॉज अनदर क्वेश्चन अर्लियर, आई कैन रिमेंबर समवन हैड आस्क्ड मी. लेट मी जस्ट स्क्रॉल बैक टू द चैट्स. समवन हैड या माधुरी हैड आस्क्ड मी अर्लियर, व्हाट कैन यू टेल अबाउट टीयर वन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. ओके माधुरी, अपने को टीयर वन कैपिटल एडिक्वेसी समझने से पहले यू अंडरस्टैंड कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है. बेसिकली आपका जो कैपिटल है, आपका जो भी रिस्क और जो आपके लोन्स लिए हुए हैं, उसमें आपका कैपिटल, आपने जो इनपुट किया हुआ है वो कितना अच्छा है, वो कितना एडिक्वेट है. अब उसमें अगर आप बोलते हैं कि आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में लार्जर जो पोर्शन है इट इज इन द टीयर वन, सो बेसिकली टीयर वन आपका हो जाएगा कि अपने देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज वेयर वी कैन रेज द कैपिटल, राइट. लेट मी जस्ट गिव यू बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो आपका जो ये कैपिटल है, इसमें जो आपका मोस्टली पोर्शन जो है इट इज इन द जो आपका जो मेनली शेयर्स हैं, जो कैपिटल है आपके हाईएस्ट क्वालिटी के उसमें पेपर्स में है, या फिर हाईएस्ट क्वालिटी के कैपिटल में लगा हुआ है, दैट कंपेयर्स टू द टीयर वन. जैसे कि सपोज आपका गवर्नमेंट के उसमें पेपर्स हैं, कमर्शियल पेपर्स हैं जो कि टॉप क्वालिटी के, जिनकी रेटिंग सबसे अच्छी है, AAA, AAA+ अगर रेटिंग के पेपर्स अगर आपके हैं तो आपका आ जाएगा टीयर वन में, राइट. टीयर टू हो जाता है कि जो उससे बेस्ट क्वालिटी से थोड़ा कम हो गया, सबऑर्डिनेट क्वालिटी का हो गया, दैट कम्स इन टीयर टू. सो व्हेन सिटी यूनियन बैंक इज सेइंग कि उनका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का लार्जर पोर्शन इज इन द टीयर वन, तो वो यही बोलना चाह रहे हैं कि उनका जो पेपर क्वालिटी है, उनका जो कैपिटल का जो 19% का जो उनका क्वालिटी है, दैट इज इन द टॉप मोस्ट, वो टीयर वन में आता है. सो दैट गिव्स अ बेटर दैट गिव्स मोर स्ट्रेंथ कि आपका जो कैपिटल एडिक्वेसी है तो उसको और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है बेसिकली, ठीक है. अच्छा, किसी और को और कोई डाउट है, दे वॉन्ट टू आस्क?
ओमकार आपका, अच्छा सिटी यूनियन बैंक इंटरव्यू पूछा है आपने, तो ओमकार सिटी यूनियन बैंक का इन्होंने मेंशन किया है कि देर विल बी वन राउंड ऑफ रिटन एग्जाम एंड देन इंटरव्यूज, तो उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि एक से ज्यादा इंटरव्यूज होंगे, तो यू कैन सेफली अज्यूम एक ही इंटरव्यू राउंड होगा। ओके, स्नेहा इज आस्किंग व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल दे आस्क मोर। स्नेहा, मैंने आपको एक अभी एक रफ आइडिया दिया था द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट विल बी कवर्ड दैट माइट बी आस्क्ड, बट जब हम अपने सेशंस लेंगे, जो अपने थोड़ा एक्सटेंसिव सेशंस लेंगे ऑन एचआर पार्ट, ऑन बैंकिंग इंडस्ट्री पार्ट, बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट, तो उसमें आई विल गिव यू बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, एंड अलोंग विद दैट आई विल ऑल्सो टेल यू कि आपको उन क्वेश्चंस को किस तरह से आंसर करना है, हाउ टू अप्रोच टू दोज क्वेश्चंस। अभिषेक, दे आस्क इफ यू आर विलिंग टू ज्वाइन सीयूबी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। ओके, आई थिंक अब ज्यादातर क्वेश्चंस आपके पर्सनलाइज्ड आ रहे हैं, सो आई सजेस्ट कि ये सारे क्वेश्चंस जो है हम ये आपका एनरोल करने के बाद आपके जो वन ऑन वन काउंसलिंग और गाइडेंस होगी उनमें इनको केटर करेंगे। ओके, माधुरी इज आस्किंग इफ आई गॉट इन टू SBI थ्रू IBPS रिक्रूटमेंट और थ्रू एन MBA प्लेसमेंट। ओके, सो माधुरी, सबसे पहले तो SBI का जो रिक्रूटमेंट होता है वो IBPS के थ्रू नहीं होता, SBI एक अलग से एग्जाम होता है, एंड आई क्लियर थ्रू SBI PO, एंड नॉट टू ब्रैग बट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी यू नो विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। देन सेकेंडली, MBA प्लेसमेंट से आई हैड ज्वाइंट ICICI सिक्योरिटीज एज अ वेल्थ मैनेजर। मैम, आर द सिलेबस टॉट इन क्लासेस एंड द क्वेश्चन ऑफ बैंकिंग पेपर आर सिमिलर? सिलेबस टॉट इन क्लासेस, सो बेसिकली अभिषेक, अभी की जो अपना सेशन है, अभी का जो हमारा बैच है, इट इज ऑल अबाउट द इंटरव्यू गाइडेंस, इंटरव्यू के लिए हमको कैसे प्रिपेयर करना है, और बैंकिंग के जो पेपर आते हैं, रिटन एग्जाम्स जो होते हैं, वो उसकी क्लासेस आर डिफरेंट, तो वो अपना जब बैच लॉन्च होगा तो आई विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट देयर। ओके, अभी ये जो सेशन, अभी जो बैच आया है, इट इज स्पेशली फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर इन दिस यू नो कमिंग अपकमिंग इंटरव्यूज। ओके, चलिए, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी ओवरशूटेड अ लॉट आवर सेशन विथ बाय ऑलमोस्ट 40 मिनट्स। अब आई विल एक्सपेक्ट यू टू सी इन द आई विल एक्सपेक्ट टू सी यू ऑल इन आवर संकल्प एजुकेशन बैच ऑन आई प्रथम फॉर द स्पेशल इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर सिटी यूनियन बैंक रिलेशनशिप मैनेजर। ओके, यस स्नेहा, आई विल केटर टू ऑल द पर्सनल क्वेश्चंस वंस यू हैव ज्वाइंड एंड वी आर इन द यू नो बैच, वी आर इन द बैच एंड वी आर डिस्कसिंग देयर, सो आई विल टेक योर लीव नाउ एंड होप टू सी यू सून एंड होप टू गिव यू बेटर एडवाइस एंड गाइडेंस। यू कैन ऑलवेज विजिट द आई प्रथम ऐप एंड एनरोल योर सेल्फ और यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई फोन नंबर एंड ईमेल आई डी डिस्प्लेड ओवर हियर। ओके, थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।